हेलो एवरीवन, क्लास सेवेंथ ज्योग्राफी चैप्टर टू इनसाइड आवर अर्थ आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, यानी अर्थ जो है वो काफ़ी सारी लेयर्स से बनी होती है जिसकी जो लेयर्स हैं वो सेंटर की तरफ बल्ज होती है। यानी आपने एक ऑनियन देखा होगा, एक प्याज देखी होगी, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और सभी लेयर्स ऑनियन का जो सबसे इंटीरियर पार्ट है उसकी तरफ बेंड होती है। तो इसी तरीके से अर्थ है, अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो सेंटर को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, सेंटर की तरफ केंद्रित होती हैं। सेकेंड पॉइंट है द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस कॉल्ड द क्रस्ट, जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। और अर्थ की जितनी भी लेयर होती है उसमें सबसे थिन, जो सबसे पतली जो लेयर होती है क्रस्ट ही होती है। अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो क्रस्ट लगभग 35 किलोमीटर की थिकनेस होती है, और अगर ओशियनिक एरिया की बात की जाए तो वहां पे क्रस्ट सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास होती है। इसका मतलब जो लैंड एरिया होता है वहां पे क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा होती है, क्रस्ट की थिकनेस मोटी होती है, और जो ओशियनिक एरिया होता है, जो समुद्र का एरिया होता है, वहां पे क्रस्ट बहुत पतली होती है। देखिए इमेज पे आप देख सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में डिफरेंस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपैरेटिवली थिक होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मेन मिनरल्स पाए जाते हैं वो सिलिका होते हैं और एल्यूमिना होता है, और इसको कहा जाता है SIALCl। और ओशियनिक क्रस्ट की बात की जाए तो वहां पे मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको SIMA सीमा कहा जाता है। क्रस्ट के बाद बात करेंगे मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर होती है। क्रस्ट जैसे ही खत्म होता है मेंटल स्टार्ट हो जाता है, और कितने डेप्थ तक वो एक्सटेंड रहता है, 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर नीचे तक मेंटल एग्जिस्ट करता है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा निकलता है वोल्केनो से, तो वो मेंटल से ही निकलता है, क्योंकि जो आपका मैग्मा चैम्बर होता है जहां पे लावा बनता है, जहां पे लावा क्रिएट होता है, जो धीरे धीरे करके क्रस्ट तक जाता है और वहां पे जाके इरप्ट हो जाता है। चलिए दो वर्ड्स हैं इसमें डिफिकल्ट जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला है बीनीथ। लास्ट पॉइंट में आप देखेंगे बीनीथ द क्रस्ट, यानी बिलो, नीचे क्रस्ट के नीचे मेंटल है। बीनीथ का मतलब होता है नीचे या फिर अंडर। और कॉन्सेंट्रिक, फर्स्ट पॉइंट में ही कॉन्सेंट्रिक देखने को मिलेगा आपको। मैंने बताया था ना कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है हैविंग अ कॉमन सेंटर। जैसे हमने ऑनियन का एग्जांपल लिया था, क्योंकि ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वैसे ही अर्थ की भी लेयर्स होती हैं जिसका जो सेंटर होता है वो कॉमन सेंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी क्रस्ट के बाद मेंटल के बाद कौन सी लेयर आती है, कोर आता है, जिसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर है, और वो किस चीज से बना है, निकल और आयरन से, इसलिए इसको कहा जाता है NIFE। निकल का साइंटिफिक नेम आपको पता है NI होता है, और आयरन का साइंटिफिक नेम FE होता है, इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं, NIFE, नाइफ बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोर की अगर बात करें तो सेंट्रल जो कोर होता है, यानी जो डीपेस्ट पॉइंट होता है कोर का, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप लिथोस्फेयर से मेंटल की तरफ जाएंगे, मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डीप ड्रिल नहीं कर सकते। तो अर्थ की वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्रस्ट जो है वो सिर्फ 1% है, यानी अर्थ की जितनी भी वॉल्यूम है उसका 1% क्रस्ट है, 84% मेंटल है, और 15% कोर है, यानी सबसे ज्यादा मेंटल पोर्शन है अर्थ में। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है। चलिए थोड़ा सा इमेज में समझते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर को। सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो अर्थ के अंदर देखी जाती हैं। अगला टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। क्रस्ट में रॉक्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। रॉक्स जो पाए जाते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जिनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। हम इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और मिनरल्स भी कई टाइप्स के होते हैं, आपको पता है निकल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये कहां पाए जाते हैं, ये क्रस्ट में ही पाए जाते हैं सभी मिनरल्स। तो रॉक्स का सबसे पहला टाइप देखते हैं, जिसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो मैग्मा से बनते हैं, जो लावा अर्थ के अंदर से निकलता है, जो मैग्मा चैम्बर से लावा निकलता है और सॉलिड हो जाता है, उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इग्नियस रॉक्स भी दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं, देखिए जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर
एयर पार्ट से सरफेस पे आता है तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि वो अर्थ के बाहर आके सॉलिड हुआ है और बाहर आके क्रिएट हुआ है, तो इसलिए उसको एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है। ऐसा एग्जाम्पल इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू पे देखने को मिलता है। बसाल्ट रॉक्स जो है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। इमेज में आप देख सकते हैं, बसाल्ट प्रोविंस कहा जाता है इसको, जो बसाल्ट रॉक से क्रिएट होता है। आगे देखते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जिसमें मोल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर ही कूल हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और रॉक बन जाता है, यानी वो अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही डीप इनसाइड द अर्थ सॉलिड हो जाता है, रॉक बन जाता है, तो उसको इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। देखो बहुत आसान है, एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे आके सॉलिड होते हैं, रॉक बन जाते हैं, और इंट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ही रॉक बन जाते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल आपने देख लिया बसाल्ट, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में इंडिया में मिलता है, और इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपके घरों में भी होगा, आप जिससे चटनी वगैरह बनाते हो, जिससे मसाला पीसते हो, घरों में होता है, लगभग सबके होता है, मेरे घर पे भी है। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके का ग्रेनाइट रॉक होता है और वो किस किस काम आता है। चलिए नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो सेडिमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, और उनको डिपॉजिट करने में मदद कौन करते हैं? विंड और वाटर। विंड और वाटर क्या करते हैं, उनको डिपॉजिट करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं, और काफी समय की प्रोसेस के बाद वो पार्टिकल्स रॉक की शेप ले लेते हैं। देखो नाम से ही पता चलता है सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स यानी फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ समथिंग, टुकड़े। जब टुकड़े एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आके सॉलिड हो जाते हैं, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। इन रॉक्स को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, विंड वाटर और जितने भी एजेंट्स हैं उनकी मदद से सेडिमेंट्री रॉक्स कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है। तो हमारे देश में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सैंडस्टोन, जो रेड सैंडस्टोन से बना है, वो है आपका रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर बहुत सारी हीट पड़ती है और प्रेशर पड़ता है, तो वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। देखो जब रॉक जो है वो एक्सपोज होते हैं सनलाइट की तरफ, रेनफॉल की तरफ, और प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो वो रॉक काफी समय के बाद मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। उनका कलर, टेक्सचर, शेप, तीनों चीजें बदल जाती हैं। इवन केमिकल कॉम्पोजिशन भी उनका चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है? जब एक रॉक दूसरे रॉक के करेक्टरिस्टिक्स ले लेता है, उसको रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे इग्नियस रॉक प्राइमरी रॉक होता है, और इग्नियस रॉक ही सेडिमेंट में बदल सकता है, मेटामॉर्फिक में बदल सकता है। सेडिमेंट में कम बदलेगा जब इग्नियस रॉक के टुकड़े हो जाते हैं, जब इग्नियस रॉक टूट जाता है और उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, और वो फ्रेगमेंट्स समय बीत जाने के बाद उसमें और दूसरे तरीके के रॉक्स मिल जाते हैं, दूसरे फ्रेगमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं, तो वो रॉक सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो रॉक कौन सा बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। और अगर इग्नियस रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट है उसके ऊपर, तो वो रॉक किस चीज में चेंज हो सकता है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है। और मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट रॉक में चेंज हो सकता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक के भी फ्रेगमेंट्स हो सके हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, फिर विंड वाटर और अदर केमिकल चेंज की वजह से वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो सकता है। और जब मेटामॉर्फिक रॉक एक्सपोज होता है इंटेंस हीट और प्रेशर पे, तो वो रॉक दोबारा से मेल्ट हो सकता है, और वही रॉक फिर इग्नियस रॉक बन जाएगा मेल्ट होके सॉलिड होने के बाद। तो इसी तरीके से रॉक साइकिल है, आप इस इमेज में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ओवरऑल रॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे रॉक्स रोड बनाने के काम आते हैं, घर बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग्स हम बनाते हैं तो अभी हमें रॉक्स की जरूरत पड़ती है। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आपको पता है क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसको हम क्वेरिंग करके, डिगिंग करके, ड्रिलिंग करके निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से। और जितने भी मिनरल हैं उनका फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तो रॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। चलिए लेसन ये हमारा ख़त्म होता है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल होता है इस लेसन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्ट मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।